सर सैयद अहमद खां का जो लाहौर का भाषण है उनका सत्कार हुआ, वो बैरिस्टर बनकर आए, वो बैरिस्टर बनकर आए, लाहौर के आर्य समाज ने उनका सत्कार किया, आर्य प्रतिनिधि सभा ने। और उनका परिचय देते समय परिचयकर्ता ने कहा कि हिंदुओं में बहुत बैरिस्टर बने हैं लेकिन ये मुसलमानों में पहले, इसलिए हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो सैयद अहमद अली खां ने अपने भाषण में जो उत्तर दिया उसके प्रारंभ में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने हमको अपने में नहीं शुमार किया, क्या हम भारत माता के पुत्र नहीं है? अरे इतिहास में हमारी बदल गई पूजा की पद्धति, और क्या बदला है? ये जो बात है ये हम 1881 तक जानते थे, धीरे धीरे इसको हमने खो दिया अपने जहन से, उसको वापस लाना पड़ेगा। हाँ उसको आप हम जैसा कहते वैसा हिंदू मत कहो चलेगा, आप उसको भारतीय कहो, हम आपके कहने का सम्मान करते हैं। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता, वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। ये सब लोग हमारे अपने हैं, भारत के हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो आसान सवाल पहले करते हैं, बाद में कठिन सवालों को हाथ लगाते हैं। वैसे पहले जो जानते हैं कि हम हिंदू हैं उनका हम संगठन करेंगे, लेकिन वो इनके खिलाफ नहीं करेंगे, इनके लिए करेंगे। ये वास्तव में हिंदुत्व है। तो विचार आता है कि आधुनिक जीवन में हमारे प्रजातांत्रिक देश में हमने एक संविधान का स्वीकार किया, वो संविधान भी हमारे लोगों ने तैयार किया है ना। अपना संविधान अपने देश का कॉन्सेंसस है और इसलिए उस संविधान के अनुशासन का पालन करना ये सबका कर्तव्य है। संघ इसको पहले से मानता है।